भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सहयोग से यहां पर कुलगाम में खाद्य औषधीय प्रशासन के द्वारा डीसी कुलगाम में स्वास्थ्य खानपान की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिलेट वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बजरा वर्ष 2023 मनाने के लिए स्वास्थ्य और खानपान की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां पर आहार में बाजरा को महत्व देने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसके लिए लोगों को तरह तरह की बातें भी बताई जा रही है। कुलगाम के उपायुक्त डॉक्टर बिल्ला मोह उद्दीन भट्ट ने यहाँ पर ईट राइट चैलेंज अभियान के हिस्से के रूप में मिलेट वॉकथॉन को उत्साहपूर्वक हरी झंडी दिखाई, जहाँ पर यह कार्यक्रम भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सहयोग से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था। हमारे कमिश्नर एफडीए साहब वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो हर जिले के अंदर ये प्रोग्राम हो रहे हैं। तो आज हमारा जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के अंदर, तो ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी भी मेरे साथ मैडम बैठी हुई हैं, माई सेल्फ इंद्रजीत सिंह फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो ये हमने आज ही ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे कुलगाम के अंदर, जिसको फ्लैग ऑफ यहाँ के वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने इसको फ्लैग ऑफ किया। तो इस जो प्रोग्राम है मिलेट्स का मकसद ही है कि जो लोगों तक ये जो मिलेट्स पहुँचाए जाएँ, क्योंकि 1980 के बाद एक स्कीम चली थी कि चाहे वो चावल और इसको कम किया दिया जाए, बट ये अब मिलेट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि जिसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो इसे मिलेट्स खाने से ये होता है कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी, ये चीज़ें इससे कम होती हैं। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपके माध्यम से आप यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं लोगों के कि चाहे सुबह का मील हो आपका, शाम का मील हो, कम से कम उसमें अपना एक मिलेट ऐड करिए। ये बहुत ज़रूरी है मिलेट ऐड करने से। तो आगे भी हमारे प्रोग्राम्स चलते रहेंगे, जो हमारे ईट राइट इनिशिएटिव के प्रोग्राम के तहत जो प्रोग्राम्स हमारे होंगे वो आगे चलते रहेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इन बच्चों का भी शुक्रगुजार हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार हूँ, स्कूल कॉलेज जो इनके उन्होंने बच्चे यहाँ पे प्रोवाइड किए, वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सर ये बताइए कि यूजुअली जितने भी यहाँ पे तो हो भी रहा है तो होगा भी काम, कई जगहों पर हो सकता है भी रह भी गया हो, तो मगर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो ज़िला कुलगाम के अंदर इस चीज़ को, हम जो अनहाइजीनिक फूड्स हैं इस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे, तो हम इसको पीछे नहीं हटेंगे। कानून के तहत जो कानून के दायरे में जो कार्रवाई होगी हम पूरी कार्रवाई करेंगे। FSSAI को इंट्रोड्यूस करना या स्पेशली उसके जुमरे में सब आउटलेट्स को लाना, इसमें डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? FSSAI ये नहीं, FSSAI 2011 से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, आज से नहीं इंट्रोड्यूस, 2011 से ये लागू हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में, और जितने भी हमारे यहाँ पे आउटलेट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे कुछ भी हो, शॉपकीपर्स हैं, वो सारे हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। हम उनको रजिस्ट्रेशन भी इशू कर रहे हैं, उनको लाइसेंस भी इशू कर रहे हैं, वो हमारे साथ कोई मैसेज उनके लिए, हाँ उनके लिए मैसेज है कि जो भी, कोशिश करिए कि आज के दिन ये मिलेट्स का आपने जो एस्टेब्लिशमेंट पे उस पर इंट्रोड्यूस किया जाए, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम इस पर सख्ती से उभरेंगे। जो अनहाइजीनिक कंडीशन होगी होटल रेस्टोरेंट की, जैसे आपने बात की, हम उस पर सख्ती से उसके साथ हम उस पर कार्रवाई करेंगे।